इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट की धरती पर पहले टी20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाना था, लेकिन उस वक्त ऑस्ट्रेलिया जैसी ढाकर टीम को हरा पाना किसी सपने से कम नहीं था, क्योंकि पिछला 3 आईसीसी वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया था। संपूर्ण क्रिकेट जगत पहले ही ऑस्ट्रेलिया को 2007 टी20 वर्ल्ड कप का विजेता मान चुका था। ऐसे हालात में टॉस होता है, एमएस धोनी ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। भारत की तरफ से गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग पारी की शुरुआत करते हैं। गौतम गंभीर पहले ही बॉल पर बाल बाल बचे और ब्रेटली का यह आंख दिखाना ऑस्ट्रेलिया के घमंड की गवाही दे रहा था, लेकिन इस ओवर की तीसरी बॉल को गंभीर ने चौके के लिए भेज दिया। वैसे तो इस इनिंग का यह पहला चौका था, लेकिन फिर भी पूरा स्टेडियम जश्न मना रहा था, पूरी इंडियन टीम खुशियां मना रही थी। लेकिन आखिरी गेंद पर एक बार फिर से ब्रेटली का ऐसा बिहेव किसी को पसंद नहीं आया और फिर उसी के बाद सहवाग के थाई में खिंचाव आ गया और फिर रोहित को रनर के रूप में जाना पड़ा। उसके बाद गंभीर ने तीसरे ओवर में 2 चौके मारे। चौथे ओवर की 5वीं बॉल पर एक शानदार पुल शॉट मारा और गेंद चौके के लिए चली गई और फिर सहवाग ने भी 5वें ओवर में जॉनसन को एक शानदार चौका जड़ दिया। सहवाग का यह पहला चौका था, लेकिन अगले ही बॉल पर सहवाग विकेटकीपर एडम गिलक्रिस्ट को कैच थमा बैठे। सहवाग ने इस मैच में 11 गेंदों पर मात्र 9 रन ही बना सके और इनके विकेट मिलने के बाद पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम जश्न मना रही थी। अब रॉबिन उथप्पा मैदान पर आते हैं और अपने साथ अपनी किस्मत को भी लेकर आते हैं और पहले ही बॉल पर बाल बाल आउट होने से बचे, लेकिन अगले ही गेंद पर उथप्पा ने जोरदार चौका जड़ दिया। हर एक चौका दर्शकों के अंदर जोश भर दे रहा था। इतने चौके लगने के बावजूद भी भारतीय टीम का स्कोर अभी भी 6 ओवरों में मात्र 36 रन ही था। एक बार फिर से रॉबिन उथप्पा का एक और कैच छूटा, लेकिन रनगति को तेज करने के चक्कर में गौतम गंभीर 7वें ओवर की 5वीं बॉल पर आउट हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम का जश्न इस विकेट की अहमियत बता रहा था। गंभीर ने 25 गेंदों पर 24 रन बनाकर पवेलियन वापस चल दिए। भारतीय टीम 8 ओवरों में 41 रन पर 2 विकेट गंवा चुकी थी। अब ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने यह शुरुआत हार की तरफ इशारा कर रही थी। अब सिक्सर किंग युवराज सिंह मैदान पर आते हैं। उनका स्वागत एक तीखी बाउंसर से किया जाता है, लेकिन अगले ही बॉल पर एक बार फिर से उनके सर के पास गेंद करी गई, लेकिन युवराज सिंह ने उस गेंद को छक्के के लिए भेज दिया। उसके बाद युवराज सिंह ने 9वें ओवर की 5वीं बॉल पर एक और छक्का जड़ दिया। युवराज सिंह के छक्के देख पूरा स्टेडियम झूम रहा था, पूरी भारतीय टीम खुशियां मना रही थी। अब भारतीय टीम का स्कोर 10 ओवर में 60 रन था, लेकिन उसके बाद तो मैदान पर एक ऐसा तूफान आने वाला था जो सब कुछ उड़ा ले जाने वाला था। युवराज सिंह ने साइमंड की पहली बॉल पर चौका जड़ दिया और उसी ओवर की 4थी बॉल पर उथप्पा ने एक छक्का मार दिया और उसी ओवर की लास्ट बॉल पर युवराज सिंह ने गेंद को हवाई यात्रा के लिए भेज दिया। युवराज लगातार चौकों छक्कों की बरसात कर रहे थे। युवराज हर गेंद को बाउंड्री के पार भेज रहे थे और इसी छक्के के साथ युवराज सिंह ने मात्र 20 गेंदों पर 51 रन कोट दिए। अब युवराज की 50 हो चुकी थी। उस दिन पूरी दुनिया ने देखा युवराज का महापराक्रम। उसके बाद भी युवराज नहीं रुके। जहां भारत का स्कोर 10 ओवरों में मात्र 60 रन था, तो वहीं अब 14 ओवर में 113 रन हो चुका था और 14वें ओवर की पहली बॉल पर उथप्पा ने एक छक्का जड़ दिया और अगली ही बॉल पर एक और छक्का मार जॉनसन के द्वारा मनाए गए उस जश्न को आईना दिखा दिया। लेकिन अगली ही बॉल पर साइमंड के एक शानदार थ्रो की वजह से रॉबिन उथप्पा की पारी वहीं पर खत्म हो गई। अब मैदान पर टीम इंडिया के कप्तान एमएस धोनी आ रहे थे और धोनी मैदान पर आते ही साइमंड की पहली बॉल पर चौका जड़ उनके खुशियों पर पानी फेर दिया। युवराज ने भी 5वीं बॉल पर चौका जड़ दिया और फिर 17वें ओवर की दूसरी बॉल पर युवराज सिंह ने गेंद को तारा मंडल के लिए भेज दिया। अगली बॉल पर युवराज सिंह आउट हो गए, लेकिन तब तक युवराज सिंह अपना काम कर चुके थे। युवराज सिंह ने इस मैच में मात्र 30 गेंदों पर 70 रन बनाए थे।
अब टीम इंडिया का स्कोर 155 रनों पर 4 विकेट था। अब मैदान पर रोहित शर्मा एमएस धोनी की जोड़ी मौजूद थी और एमएस धोनी ने भी छक्कों चौकों की बरसात कर दिया और अपनी टीम को शानदार फिनिशिंग देने का काम किया और रोहित ने भी एक छक्का लगाया और धोनी ने इस मैच में 18 गेंदों पर 30 रनों की बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली। एमएस धोनी लास्ट ओवर में रन चुराने के चक्कर में रन आउट हुए, लेकिन तब तक एमएस धोनी 18 गेंदों पर 30 रनों की बेहद ही महत्वपूर्ण पारी खेल चुके थे और इस इनिंग की लास्ट गेंद पर इरफान पठान के इस चौके ने मोमेंटम को अपने साथ लेकर पवेलियन चला गया। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 189 रनों का एक विशाल टारगेट दिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने यह स्कोर कुछ खास नहीं था। अब ऑस्ट्रेलिया टीम मैदान पर आती है। आज या तो ऑस्ट्रेलिया का घमंड टूटने वाला था या तो फिर जारी रहने वाला था और पहले ही ओवर की तीसरी बॉल पर गिलक्रिस्ट ने चौका जड़ अपने इरादे को स्पष्ट कर दिया और फिर अगले ही ओवर में एक छक्का जड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया के दोनों बल्लेबाजों ने स्कोर कार्ड को आगे बढ़ाते चले गए। अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 36 रन 6 ओवर बिना कोई विकेट गंवाए, लेकिन सीसंत की एक गेंद ने गिलक्रिस्ट की गिल्लियां उखाड़ दिया। सीसंत का यह सेलिब्रेशन इस विकेट की अहमियत बता रहा था। उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने चौकों छक्कों की बरसात कर दिया। लगातार ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर खबर ले रहे थे। अब ऑस्ट्रेलिया को इस मैच को जीतने के लिए 72 गेंदों पर 125 रनों की जरूरत थी। तभी इरफान पठान की एक गेंद पर हॉज ने युवराज को कैच थमा दिया। अब मोमेंटम एक बार फिर से भारत की तरफ आ गया। अब क्रीज पर एंड्रू साइमंड आते हैं। यह बात सबको पता थी कि साइमंड आकर क्या कर सकते हैं, लेकिन जितने भी लोग मैच देख रहे थे उन सभी को अभी तक डर से मुलाकात ही नहीं हुई थी। पर असल डर क्या होता है उस दिन हर भारतीय फैंस ने महसूस किया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मैदान के चारों तरफ चौकों छक्कों की झड़ी लगा दिया और इनके द्वारा लगाया गया हर चौका छक्का करोड़ों भारतीय फैंस के वर्ल्ड कप जीतने के सपने को चकनाचूर कर रहा था। विकेट तो मानो भारत से किनारा ही कर लिया हो, लेकिन भारतीय टीम के पास एक उम्मीद थी। लगातार रिक्वायर्ड रन रेट भारत के पक्ष में था, लेकिन उसी के साथ सहवाग के उस एक ओवर ने उस उम्मीद को भी बीच मैदान में दफन कर दिया। मैथ्यू हेडर ने 13वें ओवर में 20 रन कोट दिए। अब ऑस्ट्रेलिया टीम को 7 ओवरों में मात्र 69 रनों की जरूरत थी और हाथ में 8 विकेट बाकी था और इसी के बीच एक रन आउट का मौका भी भारत ने गंवा दिया। अब ऑस्ट्रेलिया को 36 गेंदों पर 60 रनों की जरूरत थी, लेकिन सीसंत के उस ओवर की चौथी गेंद ने मैथ्यू हेडन को बोल्ड कर दिया। अब मैथ्यू हेडन पवेलियन जा रहे थे। एक तूफान पवेलियन वापस जा रहा था, तो वही माइक हसी के रूप में एक सुनामी पवेलियन से वापस मैदान में आ रही थी और माइक हसी के मैदान पर आते ही भारतीय चेहरों की हंसी गायब हो गई। लेकिन इरफान पठान के 17वें ओवर की चौथी बॉल ने साइमंड को बोल्ड कर दिया। साइमंड ने मात्र 26 गेंदों पर 43 रन बनाए। एक बार फिर से इस मैच में भारत ने वापसी कर लिया, लेकिन अब मैदान पर क्लार्क आ रहे थे। अब ऑस्ट्रेलिया को 18 गेंदों पर 30 रनों की जरूरत थी। यह मैच यहां से कोई भी जीत सकता था, लेकिन हरभजन सिंह ने 18वें ओवर की पहली बॉल पर क्लार्क को बोल्ड कर दिया और पूरी तरह से शांत हो चुके स्टेडियम में अकेले ही शोर मचा दिया और पूरी दुनिया को बता दिया कि यह वर्ल्ड कप इतनी आसानी से हम जाने नहीं देंगे, क्योंकि यह वर्ल्ड कप हमारा है। हरभजन सिंह ने इस ओवर में मात्र 3 रन दिए और अगले ओवर में आरपी सिंह के शानदार गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलिया को रन बनाने का मौका ही नहीं दिया और मात्र 5 रन ही खर्च किया। अब ऑस्ट्रेलिया को यह मैच जीतने के लिए, यह फाइनल मैच जीतने के लिए, अपना गुरूर बरकरार रखने के लिए 6 गेंदों पर 22 रनों की जरूरत थी। इंडिया और वर्ल्ड कप फाइनल के बीच खड़े थे माइक हसी। लास्ट ओवर की पहली 2 गेंदों पर कोई रन नहीं बना सके, लेकिन तीसरी बॉल फुल टॉस गई। माइक हसी ने हवा में खेल दिया और युवराज सिंह ने ये एक शानदार कैच पकड़ इस मैच को अपनी तरफ ला दिया। अब यह मैच पूरी तरह से भारत ने जीत लिया था। यह मैच औपचारिकता भर बचा हुआ था।
क्योंकि 3 गेंदों पर 22 रनों की जरूरत थी और जोगिंदर शर्मा ने 5वीं बॉल पर बेटली को बोल्ड कर दिया और आज एक इतिहास लिखा गया, एक ऐसा इतिहास लिखा गया जो क्रिकेट की धरती में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। यह कहानी थी ऑस्ट्रेलियाई टीम के घमंड टूटने की, एक ऐसा घमंड जो दशकों से क्रिकेट की दुनिया पर राज कर रहा था और इसी जीत के साथ भारतीय टीम फाइनल में प्रवेश कर लिया। और यदि आपको फाइनल मैच की पूरी कहानी चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और यदि पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।